एमपी के हरदा जिले के सहकारी समिति बैंक से हरदा जिले के किसानों ने अपनी खेती करने के लिए कर्ज लिया है, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण किसानों ने राशि जमा नहीं करने पर बैंक ने हरदा जिले के 300 से अधिक किसानों के नाम की सूची सार्वजनिक कर दी है। किसानों ने अपनी खेती में औद्योगिक एवं अन्य किसी ऋण लिया था, लेकिन समय अवधि में अब ऋण जमा नहीं करने पर किसानों के नाम की सूची अब बैंक के द्वारा सार्वजनिक कर दी गई है। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की भी चेतावनी एवं नोटिस जिले के 300 से अधिक किसानों ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन अभी तक उसकी राशि 75 करोड़ जमा नहीं की है। अब ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, हमारा टर्नओवर देखिए, हम लोगों का जो हरदा में टर्नओवर है वो हजारों करोड़ का है। अब हजारों करोड़ का प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोगों को जो इनपुट कास्ट लगती है वो कोऑपरेटिव से ही लेनी है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए किसानों ने कर्ज लिया है, समय आएगा उसको चुकाएंगे। सवाल यहाँ उठता है, जब जब बीजेपी को मौका मिलता है ये किसानों का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकती है। जब इसे मौका मिला तो इसने गोली मारी, जब इसे मौका मिलता है डंडा मारती है, और जब उसे मौका मिलता है तो अपमान करती है। कभी इन्होंने जो विदेश भागे इन लोगों के ऊपर कभी प्रश्न उठाया? जो यहाँ पर उद्योग के नाम से बड़ा बड़ा कर्जा ले चुके हैं, क्या उन लोगों के ऊपर इनने सवाल उठाएं? ये नहीं उठाते। ये लोगों की जो तकलीफ है वो गरीबों के साथ में। सुनील कुमार धनगर, मुख्य शाखा हरदा, प्रभारी शाखा प्रबंधक। आपने डिफाल्टर और काला पीठ सदस्यों की सूची टांगी है, टोटल कितने सदस्य और कितने करोड़ रुपए का कर्ज? हाँ, इसमें 3,922 काला पीठ सदस्य है, जिसकी राशि है 49,12,13,000। ठीक, इसके आगे अकृषि ऋण की भी जो जानकारी है उसमें 152 सदस्य है, और उनकी जो राशि है 14,17,87,000। और ये बकाया कालातीत वाला। अभी अगर ये वसूली नहीं हो पाती उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं, मतलब समिति द्वारा और शाखा द्वारा, इसके अलावा आरआरसी भी जारी की गई है। आरआरसी के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है वो आगे किया जा रहा है, मतलब नोटिस शामिल करवा के और वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।